लोगों का स्वागत है कुत्तों की रेस में। आज ये चार कुत्ते दौड़ेंगे, बहुत तेज दौड़ेंगे उस फिनिशिंग लाइन तक, और इन चारों में से जो भी कुत्ता जीतेगा उसको 1 साल का डॉग फूड मेरी तरफ से। चॉप, तुझे जीतना पड़ेगा। अबे तो क्या मेरा कुत्ता यहाँ पे घास चरने आया है? मेरा कुत्ता सबसे तेज है, वो जीतेगा। वो सब अभी पता चल जाएगा किसका कुत्ता जीतने वाला है। ये है स्टार्टिंग लाइन और सामने फिनिशिंग लाइन। जो भी जीतेगा 1 साल का खाना मेरी तरफ से। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। चॉप भाग, चॉप भाग, भागता जा, सामने फिनिशिंग लाइन पर तुझे ही पहुंचना है। भाग मेरे कुत्ते भाग। चॉप सबके सब तेरे पीछे, भाग भाग भाग। और ये क्या, चॉप ने फिनिशिंग लाइन सबसे पहले क्रॉस कर दी। ये चॉप, हम जीत गए। अरे बहुत बढ़िया। अरे चॉप, तुम जीतते हो 1 साल का खाना मेरी तरफ से। बाकी सारे कुत्तों को बेस्ट ऑफ लक अगली बार के लिए। हा, मैंने तो बोला ही था मेरा कुत्ता सबसे तेज है। क्या हो गया ब्लू शार, क्या हो गया? ऐसा चलता रहता है, हार जीत होती रहती है। हार जीत नहीं, तुम तो बहुत ही बुरा हार गए। तेरा कुत्ता कभी नहीं जीत पाएगा, निकल यहाँ से। फ्रैंकलिन, अब तुम ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा तो मैं बोलूंगा क्योंकि मेरा कुत्ता जीता है, ना कि तेरा कुत्ता। ये ले, तुमने मेरे कुत्ते को मारा। फ्रैंकलिन, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये ले, मेरे कुत्ते को मारना नहीं चाहिए था, अब तुम खुद कुत्ते बन जाओ। अरे ये क्या, ये मेरे साथ क्या हो गया? ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? मैं कुत्ता कैसे बन गया? पाँ, पाँ। हा, मैंने बोला था मुझे परेशान मत करो, अब तुम खुद कुत्ते बन चुके हो। अरे सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे वापस इंसान बना दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमेशा के लिए कुत्ते बन चुके हो। नहीं, प्लीज, सॉरी। अच्छा ठीक है, दूर रहो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें वापस से इंसान बनना है तो तुम्हें हाथियों के राजा को हराना पड़ेगा। क्या, हाथियों के राजा को? हाँ, हाथियों के राजा को अगर तुम हराओगे तो तुम वापस इंसान बन पाओगे, वरना हमेशा के लिए कुत्ते रह जाओगे। अरे पर वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। हाँ, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसके लिए तुम्हें एक खतरनाक वुल्फ यानी कुत्ता बनना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें अपग्रेड होना पड़ेगा, तो जाओ अपग्रेड हो, बनो एक खतरनाक वुल्फ और हराओ उस हाथियों के राजा को, वरना हमेशा हमेशा के लिए कुत्ते बने रह जाओ। अरे कैसर, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं तो एक कुत्ता बन चुका हूँ। इतना ज्यादा भी नहीं बोलना चाहिए था शार को, मैं यहाँ पर खुद ही कुत्ता बन चुका हूँ। तो कैसर, अगर मुझे वापस इंसान बनना है तो मुझे हाथियों के राजा को हराना पड़ेगा, और हाथियों के राजा से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसको हराने के लिए हमें खतरनाक से वुल्फ में अपग्रेड होना पड़ेगा ताकि मैं उसको हरा सकूं। और ये अपग्रेड होना बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला, पर हमें कैसे भी करके अपग्रेड तो होना ही पड़ेगा और एक खतरनाक सा वुल्फ बनना पड़ेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, और हम चलते हैं अपग्रेड होने। मेरी बात सुनो, तुम दोनों जानवर होना चाहते हो अपग्रेड, और मेरे पापा ने मुझे जादू सिखाया था, मैं तुम दोनों में से किसी एक को अपग्रेड कर सकता हूँ। अरे मुझे कर दो, मेरी हालत बहुत खराब है, मैं कुत्ता हूँ। नहीं, मुझे करो, मैं बंदर हूँ, बंदर। अरे बंदर तो फिर भी इंसान का छोटा रूप होता है, मैं तो कुत्ता हूँ। मैं ऐसे किसी को अपग्रेड नहीं करूंगा, तुम्हें एक चैलेंज करना पड़ेगा। अरे अब कौन सा चैलेंज करना पड़ेगा? तुम्हें यहाँ पर साइकिल लेकर स्टंट्स करके दिखाने पड़ेंगे, जो भी सबसे अच्छा स्टंट करेगा उसको मैं अपग्रेड करूंगा अपनी पावर से, जैसे कि बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप। अरे ये क्या, अबे तुझे खुद तो आती नहीं, इंसान हो क्या, हम कैसे करेंगे? करना है तो करो, वरना फूटो यहाँ से। और काइजर, ये कौन सा स्टंट है? वाव, बहुत बढ़िया। वाव, ये स्टंट था क्या? ये देखो मेरा स्टंट। वाव कुत्ते, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अरे यार, वो तो बिल्कुल इंसान जैसा है, उसके दो दो हाथ है, दो दो पैर है, मैं कैसे करूंगा? वो मुझे नहीं पता, अगर अपग्रेड होना है तो करना तो पड़ेगा। बहुत बढ़िया बंदर, तुम बहुत ही अच्छी साइकिल चलाते हो, अब देखते हैं कुत्ता क्या करता है। चलो कैसर, अभी मेरी बारी आ चुकी है,
एक सेकंड, ये एक टायर वाली साइकिल क्या है? तुम इसको नहीं चला पाओगे, रहने दो। अब तो मैं यही चलाऊंगा, ऐसे कैसे नहीं चला सकता मैं। चलो इस पर बैठ जाते हैं। वाओ, ये कुत्ता तो इसके ऊपर बैठ भी गया। अरे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलो फटाफट से एक टायर वाली साइकिल चलाते हो। और ये देखो स्टंट, ये बैक फ्लिप, ये फ्रंट फ्लिप, सारी की सारी फ्लिपें कर दी और मैं ही गिर गया। अरे तुमने तो बहुत तेज चला, वापस ट्राई करो। हाँ रुको रुको, चलो गाइसर वापस से ट्राई करते हैं, इस बार हमें बैक फ्लिप करनी पड़ेगी। यहाँ पर फटाफट से चलते हैं और एक खतरनाक सी बैक फ्लिप मारेंगे। और एक बैक फ्लिप, और ये क्या, दूसरी बैक फ्लिप। बहुत बढ़िया, आज तक मैंने किसी इंसान को दो बैक फ्लिप मारते हुए नहीं देखा एक टर्न वाली साइकिल पे, और तुम तो कुत्ते हो। अरे थैंक यू, अब मैं इतना विकास नहीं, अब मुझे अपग्रेड करोगे ना? हाँ मैं तुम्हें ही अपग्रेड करूंगा। चल बंदर निकलने यहाँ से, तेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है। अगली बार मैं जीतूंगा। अरे अगली बार कौन आएगा, चलो अंकल फटाफट से अपग्रेड कर दो। ओके अपग्रेड अपग्रेड, मैजिक मैजिक, जादू जादू, पापा ने सिखाया, बूम। और काइजर हम क्या अपग्रेड होने वाले, फटाफट से देखते हैं। तो काइजर अभी आप देख सकते हो मैं अपग्रेड हो चुका हूँ एक खतरनाक से वुल्फ में। ये सही में बहुत ही खतरनाक है। थैंक यू अंकल। ए बंदर चल साइड हो। और ये क्या, मैं कितने बड़े बड़े यहाँ पर जंप भी कर पा रहा हूँ, ये देखो। तो काइजर हम अपने पहला अपग्रेड हमें मिल चुका है और ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर इतना नहीं कि हम उस खतरनाक से हाथी को हरा पाए, उसको हराने के लिए हमें और भी ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो जल्दी से जल्दी अपग्रेड हो जाए तो फटाफट से कमेंट करो अपग्रेड इनटू गॉड वुल्फ। जल्दी जल्दी कमेंट कर देना अपग्रेड इनटू गॉड वुल्फ। और गाइस अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हम जाने वाले हैं अपग्रेड होने। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं वापस से अपग्रेड होने और यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा है। अरे अंकल मुझे अपग्रेड होना है, कैसे करूं? मेरे बच्चे मुझे पता चला है तुमको अपग्रेड होना है। हाँ हाँ मुझे अपग्रेड होना है। तो तुम आए हो बच्चे बिल्कुल सही जगह पर, यहाँ पर होती है WWE की फाइट। यहाँ पर है तीन तीन प्लेयर्स, तुम्हें इनमें से अपना प्लेयर चूज करना पड़ेगा। क्या चूज करना चाहोगे, ट्रिपल एच, रोमन रेंस या फिर द अंडरटेकर? ओके रुको, क्या चूज करे, ट्रिपल एच रोमन रेंस के अंडरटेकर, ट्रिपल एच रोमन रेंस अंडरटेकर, क्या करे क्या करे? अरे इनमें से सबसे खतरनाक कौन है? अगर काइजर आपको पता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक WWE प्लेयर कौन है तो फटाफट से बता दो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता क्या करूं क्या करूं। ट्रिपल एच तो देखो गंजा है तो मैं ये तो लूंगा नहीं, इन दोनों की बहुत ज्यादा बाल है तो इन दोनों में से क्या लिया जाए क्या लिया जाए। अंडरटेकर थोड़ा बूढ़ा है पर रोमन रेंस बहुत ही जवान है तो उसमें ज्यादा ताकत होगी तो मैं रोमन रेंस लूंगा। बहुत बढ़िया बच्चे, रोमन रेंस होता है तुम्हारा प्लेयर। अब तुमको अपना अपोनेंट चूज करना पड़ेगा, अपना अपोनेंट चूज करो। क्या अपोनेंट, रुक जाओ, ट्रिपल एच को मैं नहीं सेलेक्ट करूंगा क्योंकि वो टकला है, इसलिए मैं अंडरटेकर को सेलेक्ट करूंगा और ये बूढ़ा है तो इसको मारने में मजा आएगा। क्या पागल है क्या? बहुत बढ़िया, तुमने अपना अपोनेंट सेलेक्ट कर लिया और अपना प्लेयर भी, तो अब रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर होगा। अगर रोमन रेंस जीता यानी तुम जीते तो तुम अपग्रेड होगे, और अगर अंडरटेकर जीता तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। बच्चे तुमने सुन लिया, चलो शुरू करते हैं रोमन रेंस वर्सेस अंडरटेकर। तो काइजर अभी आप देख सकते हो अभी होने वाला है रोमन रेंस यानी मैं वर्सेस अंडरटेकर, और ये होने वाला है लैडर मैच, मतलब हमें लैडर पर चढ़कर वो बेल्ट को निकालना पड़ेगा और जो भी बेल्ट निकालेगा वो जीतने वाला है और अपग्रेड होने वाला है। तो आप देख सकते हो अभी मेरे यहाँ पर एंट्री हो चुकी है, रोमन रेंस आ चुका है सभी को दिखाने की कौन है सबसे खतरनाक। सारे के सारे लोग पागल हो चुके हैं बिल्कुल, और हम बिल्कुल तैयार है अंडरटेकर से लड़ने के लिए। और अंडरटेकर की भी एंट्री हो चुकी है, पूरा अंधेरा हो चुका है, जल्दी जल्दी आ जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। सारे लोग पूरे के पूरे बिल्कुल खुश हैं इस खतरनाक से मैच के लिए, और ऊपर हमारा मनी इन द बैंक है जो कि हमें लेना है। मुझे लगा था मुझे लगा बेल्ट थी पर अभी हमारा मनी इन द बैंक है। ये अंडरटेकर सीधा बाहर जा चुका है, तेरी तो ऐसी की तैसी, ये सीधा जाके लैडर लेने जा रहा है, पर लैडर तो मैं ही लूंगा। इसको फटाफट से उठाते हैं और अंदर लेकर चलते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम इस मैच को खत्म करके अपग्रेड हो सके। आजा अंडरटेकर मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या, नहीं सॉरी, अबे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे लगता है तू मुझे मार सकता है? हाँ मैं तुझे मार सकता हूँ, ये ले, ये तो मैंने पूरा का पूरा उल्टा कर दिया और इसी को पड़ गई, ये ले। तो गाइस
है, इस अंडरटेकर के बच्चे को कैसे भी करके हमें हराना है, तो अपनी लैडर उठाएंगे और इसको इसी से मारेंगे। अरे ये क्या, इससे तो ले ली। हाँ मुझे मारेगा, आजा मार के दिखा। सॉरी बाय बाय, मैं तो यहाँ से नीचे निकल रहा हूँ, और कैसे कुछ सामान वामान निकाला जाए। ये क्या, एक और लैडर, अरे दो दो लैडर का अचार डालेंगे क्या हम। एक सेकंड, वो ऊपर को चढ़ रहा है। मैं जीत गया। अरे ऐसे कैसे जीत गया, रुक जा मैं आ रहा हूँ अंडरटेकर, मैं तुझे बॉल नहीं लेने दूंगा, ये ले। मैं जीत के रहूंगा। अरे ऐसे कैसे जीत के रहेगा, नीचे गिर। चलो गाइस अपन फटाफट से ले लेते हैं, अंडरटेकर को भी मैंने नीचे गिरा दिया, हमको मनी इन द बैंक को फटाफट से निकाल लेना पड़ेगा। एक सेकंड, वो अंडरटेकर ऊपर आ रहा है, मैं तो जा, रुक जाओ इसको हम यहाँ पर मारेंगे, तेरी तो नीचे जाना, अब हम ले सकते हैं क्या। जल्दी कोशिश करते हैं उससे पहले कि वो वापस आ जाए, हमें इस बॉल को इसके अंदर डालना पड़ेगा, उतना ज्यादा हम पास पहुंचेंगे, पर ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ओके एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और ये ओपन नहीं हुआ, और ये चार। एक सेकंड, अंडरटेकर फिर से आ रहा है, इसको फिर से मारेंगे। अबे नीचे जाना बार बार कह देते हैं, रुक जाओ इसको एक बार थोड़ा मार के आते हैं, वरना ये बार बार हमें परेशान करेगा। आजा अंडरटेकर, उठ जा, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अरे इसने तो मुझे ही पकड़ लिया, मैं तुझे खत्म कर दूंगा, वो मनी इन द बैंक मेरा होके रहेगा। अरे ऐसे कैसे, अरे फिर से ऊपर चढ़ रहा है, इसको कितनी जल्दी है, रुक जाओ मेरे को खड़ा होने दो बस। नीचे आ, कहां कर रहा है, नीचे आ साले टकले बाल वाले, इधर आ। मैं टकला नहीं हूं। अरे तो टकला कर दूंगा, तू आ तो सरी नीचे, जल्दी से नीचे गिर जाओ। और गाइजर क्या ही मारा इसको, इसकी हालत तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। मैं ये मैच जीत के रहूंगा और अपग्रेड भी होके रहूंगा, चल नीचे जा। अबे तू मुझे मारेगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा एक भी, रोमन रेस तेरे बाल खींच खींच के मैं मार दूंगा। अरे मैं तो नीचे गिर गया, नहीं मैं गलत टाइम पे नीचे गिरा हूं, वो ऊपर चढ़ जाएगा। जल्दी चल चल रोमन रेंस, हमें उसको हराना है, अंडरटेकर को हराना है। रुक जाओ जल्दी से चलते हैं। अंडरटेकर मैंने बोला ना, मना किया ना, बार बार क्यों ले रहा है, नीचे आ। अरे आजा नीचे, ये अंडरटेकर का बच्चा तो बार बार जाके वो ले रहा है, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, कैसे मान ही नहीं रहा है, इधर आ, इसको नीचे गिराना पड़ेगा, ये बूम। तो गाइस इस अंडरटेकर के बच्चे को पहले मुझे दिखाना पड़ेगा कि कौन है सुपर स्टार, इसको भी हम देंगे खतरनाक सा सिग्नेचर, और इसको उठाते हैं, और ये 3-2-1, और इसकी गर्दन में तोड़ने वाला हूं। आजा नीचे। अरे 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 मुझे बचाओ। अरे ये क्या, ये ब्रॉन स्ट्रोमन कहां से आ गया। ब्रॉन स्ट्रोमन मेरी मदद करेगा, ये तो चीटिंग है, ये कहां से आ गया। अरे मैंने तो अंडरटेकर से लड़ने की बात करी थी, ना कि ब्रॉन स्ट्रोमन से। मेरे दोस्त मार दे इसको। अरे ऐसे कैसे मार दे, अरे कैसे, ये ब्रॉन स्ट्रोमन का बच्चा पता नहीं कहां से आ गया, अंडरटेकर से मैच की बात हुई थी, अब लगता है अंडरटेकर के साथ इसको भी मारना पड़ेगा। तेरी तो ऐसी की तैसी, निकल यहां से, आजा ब्रॉन स्ट्रोमन, तू होगा ब्रॉन स्ट्रोमन अपने घर पे, यहां पे सिर्फ रोमन रेंस की बात चलती है। रुक जाओ, वो अंडरटेकर का बच्चा उठ गया, रुक जा, अबे तेरी तो ये ले, वापस से सो जा। अरे ब्रॉन स्ट्रोमन अपने घर जाना यार, मुझे परेशान करने क्यों आया है। ओ ये तो चला गया सही में, और चलो अभी ब्रॉन स्ट्रोमन यहां से जा चुका है, और अब इस अंडरटेकर की बारी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, निकल यहां से। अरे तेरी तो ये ले। तो गाइस इसको फटाफट से निकालते हैं यहां से बाहर, और मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, इसको हम देंगे खतरनाक सा स्पेयर, तभी ये समझेगा। चलो इसको फटाफट से खड़ा होने देंगे, और ये स्पेयर। अरे मेरी तो हालत खराब हो गई, आपको क्या लगा, सिर्फ एक स्पेयर नहीं, दो स्पेयर देंगे, अभी दूसरा स्पेयर देंगे, और सीधा हम जाएंगे अब मनी इन द बैंक लेने। चलो फटाफट से, हमारा काम यहां पर हो चुका है, फटाफट से ऊपर चढ़ते हैं। रुक जाओ एक और काम बाकी रह गया, ये ले। ये क्या हो गया, मैं तो इतनी देर से एक्टिंग कर रहा था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा रोमन रेंस। अरे कैसर, ये अंडरटेकर का बच्चा तो एक्टिंग कर रहा था, और इसने तो मेरे को पागल बना दिया, ये तो मुझे मारे जा रहा है, एक बार मुझे उठने दे, इस बार इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, तेरी तो ये ले। रोमन रेंस तू तो मरेगा। अरे अंडरटेकर सॉरी भाई, छोड़ दे। चलो तुम सॉरी बोल दो। अरे ऐसे कैसे सॉरी बोल दूं मैं तेरे को, पिछली बार तो हमारा फेल हो गया था, पर इस बार मैं फेल नहीं होने दूंगा। आजा अंडरटेकर, मैं इसके ऊपर कूदूंगा, ये मैं फिर से मर गया। तुम्हें तो कूदना ही नहीं आता, मैं दिखाता हूँ कैसे कूदते हैं, निकल यहाँ से। अरे कैसर ये कूदने वाले का प्ले, ये कूदना, अरे कैसर ये कूदना वूदना मुझे बंद करना पड़ेगा, वरना मैं ही पिट जाऊंगा, मैं अभी जमीन के ऊपर कूद गया तो मुझे ही ज्यादा लग गई। निकल यहाँ से, अब मैं जाके उस बेल्ट को जीतूंगा, और तू ये ले। अरे सॉरी भाई, ये तो बहुत ही ज्यादा मारे जा रहा है, ये ले। तुझे क्या लगा था तू मुझे मार सकते है, मैं तुझे फिर से मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, रुक जा रुक जा। अरे आजा आजा मोटे पकड़ के दिखा, ये ले। अरे तू ले, तू कैसर, अभी हमने इसको मार दिया, लगता है यही साइड है, मैं फटाफट से मनी इन द बैंक निकालने का, फटाफट से चढ़ जाते हैं ऊपर, और उस बेल्ट को अपने नाम करते हैं, उस बैंक को अपने नाम करते हैं।
अरे वो तो फिर से उड़ गया। रुक जाओ, जल्दी जल्दी करेंगे, सिर्फ चार ब्लॉक करना बाकी है, एक हो गया। रुक जाओ, वो आ रहा है, वो देखो वो आ गया। यहाँ से अपन वापस से नीचे उतर जाते हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ पर नीचे उतर रहा हूँ और ये ऊपर जा रहा है। नीचे उतर। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं ऊपर चढ़ के इसके ऊपर कूदूंगा तो क्या होगा, और इस बार बस हमें कूदना ही पड़ेगा, और अगर मैंने मिस किया तो कहानी हो जाएगी खत्म। तो गाइस अभी अंडरटेकर का बच्चा वापस उठ गया, तो मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, और ये क्या मार दिया, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर होता जा रहा हूँ, तो मुझे यार से ढंग से लड़ाई करनी पड़ेगी, और जल्दी जल्दी वो मनी इन द बैंक अपने नाम करना पड़ेगा। अरे छोड़ दे भाई, सॉरी छोड़ दे, अरे भाई हालत खराब। और गाइस मैं तो एक ही बारी में उठ गया, कम बैक हमने यहाँ पर कर लिया है, और तो निकल यहाँ से। अब बारी आ चुकी है इस मैच को खत्म करने की। अंडरटेकर हमारा सो रहा है, अरे फिर से उठ गया, कितना बार 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 उठ जाता है ये। यहाँ पर फटाफट से जाएंगे, नहीं हुआ पाया, और ये क्या, सिर्फ एक बार और काइजर ये मुझे मिल गई, टूट गई। ये कैसे हो सकता है, चल अपने घर जा। और काइजर आप देख सकते हो हमें ये खतरनाक सा मनी इन द बैंक मिल चुका है। हमने अंडरटेकर को कितना ज्यादा खतरनाक मारा, और वो ब्रॉन स्ट्रोमर बीच में आ गया था, पर उसको भी हमने मार के भगा दिया, और फाइनली हम जीत चुके हैं मनी इन द बैंक। और काइजर अब तो मैं अपग्रेड होने वाला हूं, क्योंकि मैंने रोमन रेंस चूज किया था और हमने अंडरटेकर को हरा दिया। इसका मतलब हम होने वाले हैं अपग्रेड एक खतरनाक से वुल्फ में। बहुत बढ़िया बच्चे, रोमन रेंस जीत गया और तुम होते हो अपग्रेड। तो कैसर अभी आप देख सकते हो अंडरटेकर को हराने के बाद हम तो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं। ये बूम, और कैसर मैं तो एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ बन चुका हूँ। ये WWE का मैच तो बहुत ही बढ़िया था, पर कैसर इस वुल्फ से हम हाथियों के राजा को नहीं हरा सकते, उसके लिए हमें और भी ज्यादा अपग्रेड होना पड़ेगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अपग्रेड होते हैं और भी ज्यादा, जिससे हम उस खतरनाक से हाथी को हरा पाए। तो गाइस अगर आप चाहते हो हम उस हाथी को जल्दी से जल्दी हरा दें, तो फटाफट से कमेंट में लिख दो वुल्फ इज द विनर, तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ताकि हम उस हाथी को हरा पाए। तो गाइस अभी हम वापस से आ चुके हैं अपग्रेड होने, और अपग्रेड होने के लिए हमें जाना पड़ेगा लॉस सैंटोस की सबसे बड़े टावर पर। इस टावर पर जाके हमको एक ऐसी चीज मिलने वाली है जिससे हम अपग्रेड होने वाले हैं। तो फटाफट से इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और एक सेकेंड, ये सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा टावर है, इसके लिए मुझे बहुत ही बड़ा जंप करना पड़ेगा, और ये जंप करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए आप सबको कमेंट करना पड़ेगा जंप इनटू 100। तो जितनी मेरी जंप करने की पावर है वो 100 से मल्टीप्लाई होने वाली है। और ये क्या, मैं बस पहुंचने वाला था। काइजर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जंप इनटू 1000 ताकि मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊं। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से ऊपर पहुंच के अपग्रेड होना है, और फिर हाथी को भी तो हराना है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो जब तक मैं इस गाड़ी को ऊपर फेंक दूं, निकल यहां से। तो चलो फटाफट चलते हैं, आप सभी ने कमेंट कर दिया जंप इनटू 1000, और हम यहां से कूदने वाले हैं और सीधा ऊपर आ गए। ये जंप तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, पर गाइस हमें उधर ऊपर जाना है। ये बिल्डिंग तो हम पहुंच गए, अब हम इधर भी पहुंच जाएंगे। लगता है थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी, और हम सीढ़ियां चढ़ के सीधा पहुंच चुके हैं ऊपर। और गाइस यहां पर है हमारा खतरनाक सर ड्राइंग मैजिक बोर्ड। ये ड्राइंग मैजिक बोर्ड हमारी मदद करने वाला है अपग्रेड होने के लिए। हमें इस पर एक खतरनाक सा वुल्फ बनाना है, जो कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर। चलो फटाफट से बनाते हैं उसको। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर, और इस पर हमें बनाना है खतरनाक सा वुल्फ। और मुझे पता है मुझे क्या बनाना है, अभी जो हमारा वुल्फ है ना उससे भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये वुल्फ बनेगा। तो फटाफट से सबसे पहले इसका फेस बनाएंगे, और फिर इसका यहाँ पर ये अपने फेस कंप्लीट कर दिया, अब इसकी बाकी की बॉडी बनाते हैं। ये वुल्फ सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, ये इसके बाल बन गए, अब इसकी बॉडी बनाई जाए। सबसे पहले यहाँ पर इसके शोल्डर, फिर बनेंगे इसके खतरनाक बाइसेप वाले हाथ, जिनमें होगी एकदम खतरनाक वुल्फ वाली अंगुलियां। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखने वाला वुल्फ बहुत ही पावरफुल है। एक हाथ बन गया, अब दूसरा हाथ बनाते हैं, यहाँ पर लेकर जाएंगे, इसके भी डोले शोले यहाँ पर बनाएंगे, और यहाँ पर भी खतरनाक अंगुलियां बना के ये हाथ हो गया कंप्लीट। दोनों हाथ कंप्लीट हो गए, अब बाकी की बॉडी बनाई जाए। बॉडी से ज्यादा बड़े तो इसके हाथ है, तो अब यहाँ पर इसकी अपर बॉडी कंप्लीट हो गई, अब इसके पैर भी बना देते हैं,
और पैरों में भी खतरनाक खतरनाक पैर हैं इसके, एकदम कांटे वाले पैर हैं। इसको फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं, 1-2, 1-2 डन। तो गाइस यार, जैसा हमारा पुराना वाला वुल्फ था वो ये वैसा ही है, पर उससे ज्यादा ताकतवर है। वो ताकतवर कैसे अभी आपको थोड़ी देर पता चली जाएगा। अभी फटाफट से इसकी आंखें और इसके पूरे फेस को कंप्लीट करते हैं। इधर देंगे एक आंख, यहाँ पर दूसरी आंख, इसके अंदर छोटा सा आंख का गोला, फिर इसकी एकदम बढ़िया सी नाक बनाएंगे और यहाँ पर एक खतरनाक सा मुंह बनाएंगे जिसमें होंगे बड़े बड़े, फिर छोटे 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 छोटे, फिर से बड़ा दांत। तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा खतरनाक ये लगने लग चुका है। और अब इसके यहाँ पर नाखून भी बना देते हैं ताकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग जाए। तो गाइस आप देख सकते हो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग गया। अब इसके बस एब्स बनाते हैं, फिर इसके अंदर अपन कलर करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 एब्स हमने इसको दे दिए। अब इसको फटाफट से इसके कान बना देते हैं। और गाइस अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। फटाफट से हम लेंगे ऑरेंज कलर इसके पैरों में करेंगे और रेड कलर इसके ऊपर बॉडी में करेंगे। ऊपर भी ऑरेंज ही करते ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके फेस में भी ऑरेंज करेंगे, इसके कानों में भी ऑरेंज, बालों में करेंगे हम काला कलर, इसके मुंह के अंदर होगा लाल कलर, इसके दांतों में होगा पीला कलर। फटाफट से सारा का सारा कलर यहाँ पर कर देते हैं। और अब हम इसकी बॉडी पे थोड़ी डिजाइन बनाने वाले। येलो कलर की एक खतरनाक डिजाइन बनने वाली है ताकि हमारा वुल्फ हो जाए बहुत ही ज्यादा खतरनाक। इसके पूरे के पूरे शरीर में ये डिजाइनें होने वाली है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है। इसके बाद जल्दी जल्दी सारी की सारी डिजाइन बनाते, पैरों में बना देंगे। 1-2, 1-2, 1-2 और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा ये खतरनाक लगने लग चुका है। मुझे तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है फटाफट से कमेंट करके बता दो। तो हमारी यहाँ पे ड्रॉइंग कंप्लीट हो चुकी है, बस लगभग इसको फटाफट से रियल लाइफ में लाते हैं। उससे पहले हम इसकी पावर बढ़ाने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पावर इनटू 1000। जल्दी से हमने इसकी पावर बढ़ा दी है मल्टीप्लाई बाय 1000 और ये पेंटिंग बनाई है दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। और गाइस आप देख सकते हो हमारी ड्रॉइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और मैं कितना ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँ। हमने पहले वाले वुल्फ को बहुत ही ज्यादा अपग्रेड कर डाला। ये तो सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही खतरनाक लग रहा है। इसकी पावर्स उस वाले वुल्फ से 1000 गुना ज्यादा है, पर क्या ये 1000 गुना उस हाथी को हरा पाएगी मुझे नहीं पता। तो इसके लिए हमें रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ आखिरी बार लास्ट बार हमें अपग्रेड होना है ताकि हम बिल्कुल श्योर हो जाएं उस हाथी को हराने के लिए। क्योंकि यार ये वाला खतरनाक तो है पर इतना ज्यादा नहीं कि उस हाथियों के राजा को हरा दे। सारे के सारे हाथियों को तो हरा देगा पर उनके राजा को नहीं। इसलिए हमें एक और बार अपग्रेड होना पड़ेगा। तो फटाफट से कमेंट करो अपग्रेड ताकि हम जल्दी जल्दी अपग्रेड हो। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। उड़ी बाबा, मुझे पता चला है तुम्हें होना है आखिरी बार अपग्रेड, तो तुम आए हो बिल्कुल सही जगह पर। क्या तुम मुझे अपग्रेड कर दोगे? उड़ी बाबा, अपग्रेड तो कर दूंगा पर ये चैलेंज करना पड़ेगा। अरे मैं कुछ भी चैलेंज कर लूंगा, बस मुझे इतना अपग्रेड कर दो कि मैं उस हाथी के बच्चे को हरा सकूं। उड़ी बाबा हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ तुमको चैलेंज में करना क्या है। अपनी बाइक लेके सारे फुटबॉल से बचते बचते, ऑब्स्टेकल से बचते बचते जाना है। इस खतरनाक से रोड पर अपनी बाइक को चलाना है, इसके अंदर जाना है, फिर ये खतरनाक सा प्लेन लेना है, फिर सारी रिंग्स और टायर्स के बीच में से निकलते निकलते अपने प्लेन को यहाँ पर घुमा के जाना है और यहाँ पर लैंड कर देना है। लैंड करने के बाद बोट्स लेके जाना है, जाना है, जाना है, सारे ऑब्स्टिकल को क्रॉस करते करते कार लेनी है, फिर सारे रोड से चलते हुए सारे ऑब्स्टिकल क्रॉस करते करते तुम्हें जाना है यहाँ से अपनी गाड़ी को खुदा के ये सारे ऑब्स्टिकल्स कंप्लीट करते 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 तुम्हें रात हो जाएगी। और रात के बाद हेलीकॉप्टर लेके सारे टायर्स के बीच में से निकलना है और सामने है तुम्हारे फिनिशिंग लाइन। क्या तुम तैयार हो? अरे ये चैलेंज तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अगर अपग्रेड होना है तो करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। चलो फटाफट से बाइक बैठता हूँ। उड़ी बाबा रुक जाओ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अरे क्या क्या क्या, फिर मुझे अपग्रेड कौन करेगा? रुक जाओ मेरे बच्चे। हाँ पापा मैं आ गया। अब ये कौन है? उड़ी बाबा ये तुम्हें अपग्रेड कर देगा, चलो मैं चलता हूँ। अरे बच्चे तुम मुझे अपग्रेड तो कर देगा ना? अरे आप टेंशन मत लो, मैं आपको अपग्रेड कर दूंगा। उड़ी बाबा चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1, go! तो
चुका है सर, अभी मुझे ये खतरनाक सा चैलेंज कंप्लीट करना पड़ेगा अगर मुझे फाइनल अपग्रेड होना है। फाइनल अपग्रेड बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए चैलेंज बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पर आप टेंशन मत लो, हम इसको कंप्लीट करके रहेंगे और डॉक्टर स्ट्रेंज का बेबी हमें अपग्रेड करेगा। चलो फटाफट से अपनी बाइक को भगाते हैं और इस पूरे चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस अगर आप चाहते हो मैं जल्दी जल्दी ये चैलेंज कंप्लीट कर दूं तो फटाफट से कमेंट में लिख दो गुड लक फ्रैंकलिन, ताकि आपके गुड लक की मदद से हम जल्दी से जल्दी इस चैलेंज को कंप्लीट कर दे। और यहां पर अभी हम टनल के अंदर कूद चुके हैं, यहां पर आराम से लैंड करना पड़ेगा, हमें गिरना नहीं है मरना नहीं है। और ये क्या, मैं तो गिर गया। अरे गाइजर मैं तो नीचे गिरता जा रहा हूं पर मेरी बाइक ऊपर रह चुकी है, अब मैं क्या करूंगा। पर कोई बात नहीं, हम प्लेन्स तक पहुंच चुके हैं तो हम सीधा यहां से प्लेन लेने वाले। अगर मैं पानी में एक बार भी गिरा तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मेरी बाइक भी वहां पे नीचे गिर चुकी है। पर हम प्लेन तक पहुंच चुके हैं तो सीधा हम प्लेन में बैठने वाले। सबसे आगे वाला प्लेन चूज करेगा और इन खतरनाक टायर्स में से जाना पड़ेगा। तो गाइस आपको पता ही होगा, जितना ज्यादा लाइक करोगे उतना ज्यादा गुड लक बढ़ेगा। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो नहीं किया है तो, और अगर लाइक कर दिया तो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दिया तो कमेंट कर दो, और कमेंट कर दिया है तो बाकी की वीडियो भी देख लेना इसके बाद। तो फटाफट से इस प्लेन को उड़ाते हैं हवा में और ये यहाँ पर उड़ चुका है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक जेट हम उड़ा रहे, उस टायर के बीच में से भी हमें निकालना पड़ेगा और लगता है उल्टी निकलने वाली है। और इस टायर के बीच में से हम निकल चुके हैं, आराम से पानी में नहीं जाना मुझे, अब इन सारे के सारे टायर में से निकलना पड़ेगा। ये थोड़ा सा इजी होने वाला है, तो फटाफट से लेके जाएंगे अपने खतरनाक से जेट को और हमने यहां से निकाल लिया। फटाफट से लैंडिंग कर लेते हैं क्योंकि बोट्स की बारी आ चुकी है। अरे लैंडिंग हो जा, मैं तो कूद रहा हूं, सही टाइम पे मैं कूद गया, मेरा प्लेन जा चुका है पानी में पर हम यहां पर बच चुके हैं। अब फटाफट से बोट में जाते हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं। और गाइस आप देख सकते हो हम आ चुके हैं बोट्स तक, हमने बाइक चेंज कर ली है, हमने बाइक चेंज कर ली, प्लेन चेंज कर लिया और अभी हम बोट पर आ चुके हैं। देखते हैं इसके बाद क्या आने वाला है। यहां से निकल जाते हैं फटाफट से, अब इधर से निकल जाएंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि आप सभी ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, तो मेरा गुड लक बढ़ने की वजह से ये बहुत ही इजी हो चुका है। और हम आ चुके हैं कार्स पे, ये हमारा चौथा व्हीकल, बाइक प्लेन बोट्स कार, और क्या क्या चलाना पड़ेगा। फटाफट से भगाते हैं और इस चैलेंज को पूरा पूरा कंप्लीट करते हैं। अभी तो आधा चैलेंज भी नहीं हुआ, ये सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा और खतरनाक चैलेंज है, पर इन सबसे बचते बचाते हमें ये चैलेंज कंप्लीट करना। बच गया बच गया, मुझे लगा था पानी में गिर जाऊंगा पर यहां पर हम बच चुके हैं। फटाफट से अपनी गाड़ी भगाते हैं और इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। और गाइजर एक बार में अपग्रेड हो जाऊं उसके बाद हम उस हाथी को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये शॉर्टकट लेके हम यहां पर आ चुके हैं फटाफट से टनल से, हमें खुदानी अपनी गाड़ी को, उसके बाद शायद हेलीकॉप्टर्स आने वाले हैं और यहां से खुदा लिया सामने। नहीं, हेलीकॉप्टर सभी आने वाले, अब ये खतरनाक सा चैलेंज करना है इन खतरनाक सी। अभी हम पांचवी व्हीकल यहां पर चेंज कर रहे हैं, फटाफट से चढ़ जाते हैं इसके ऊपर। और गाइजर अभी आप देख सकते हो हम यहां पर आ चुके हैं और ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, पर कोई बात नहीं, हम करके रहेंगे। फिर भी इन सब चीजों को गिराते गिराते जाएंगे और अभी इधर आ चुके। ए मशीन साइड हो जा, मुझे डरा रही है मशीन है। तो फटाफट से इन सब चीजों को उड़ाते उड़ाते चलते हैं और यहां पर आ चुके हम। और काइजर यहां पर एक क्रिसमस ट्रीज है, इनको उड़ा दिया, इन बर्गर्स को भी उड़ा दिया है हमने। ये सही में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है, मेरी बाइक कितनी ज्यादा हिल रही है। जल्दी से यहां से चढ़ा लेते हैं ऊपर और इस तरफ जाना है हमें। अभी भी बहुत ही ज्यादा चैलेंज बाकी और हम करके फिर भी रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चलो साइड हो जाओ। अरे ये क्या है, फटाफट से इसके ऊपर से निकालेंगे। और अभी हम यहां पर आ चुके हैं इस खतरनाक से हॉट एयर बलून पर और इधर से भी हम निकल चुके हैं। जल्दी जल्दी करेंगे, हमको जल्दी जल्दी चैलेंज जीतना है ताकि हम वापस से इंसान बन पाए, और इंसान बनने से पहले मुझे एक खतरनाक सा वुल्फ बनना है, तो वो भी बनेंगे, बस जल्दी से ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए यार। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मुझे लग रहा है अब चैलेंज बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जा रहा है। और कमेंट में अभी तक गुड लक फ्रैंकलिन या फिर गुड लक वुल्फ नहीं लिखा तो लिख देना, वरना मैं कभी भी गिर सकता हूं। इतना दूर आने के बाद मैं गिरना नहीं चाहता। हमारा आधे से ज्यादा चैलेंज यहां पर कंप्लीट हो चुका है और मुझे अब गिरना नहीं है, तो फटाफट से चलते हैं, गाड़ी कुदाते हैं। और सामने मुझे हेलीकॉप्टर्स दिखे अभी। चलो फटाफट से कुदाएंगे अपनी गाड़ी को और सामने मुझे हेलीकॉप्टर्स दिखने लग चुके हैं, हम उनके बाद बस पहुंचने वाले हैं। और हेलीकॉप्टर के बाद शायद तो लास्ट था, मतलब हेलीकॉप्टर के बाद सीधा फिनिशिंग लाइन आने वाली है। तो फटाफट से
आ चुके हैं हम हेलीकॉप्टर्स के पास। ये आखिरी टायर्स हमें कंप्लीट करने और उसके बाद हम सीधा फिनिशिंग लाइन पर पहुंच जाएंगे। तो आखिरी बार फटाफट से कमेंट में गुड लक फ्रैंकलिन लिख देना और हम अपने हेलीकॉप्टर को यहां पर उड़ाने वाले हैं। लेट्स गो, इसको फटाफट से लेके चलते स्ट्रेट सीधा टायरों के बीचों बीच बीच में से निकालेंगे और सीधा फिनिशिंग लाइन पर। एक बार भी हमारा हेलीकॉप्टर ठुकेगा भी नहीं, सीधा का सीधा ही जाएगा बाहर। और गाइस आप देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं सीधा फिनिशिंग लाइन पर, लैंड हो जाओ। और गाइस हमने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया और ये हमें खतरनाक सी ट्रॉफी मिल चुकी है। वैसे मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मुझे अपग्रेड होना है। बेबी डॉक्टर स्ट्रेंज आजा। बढ़िया बा, बहुत ही बढ़िया, आपने ये चैलेंज कंप्लीट कर दिया, अब मैं आपको अपग्रेड करूंगा। जल्दी जल्दी कर दो, आपको बस तीन तक गिनती पर क्या तीन तक, एक दो तीन। और गाइस अभी आप देख सकते हो हम लोग अपग्रेड हो चुके हैं खतरनाक से वुल्फ में और मैं तो हवा के ऊपर भाग पा रहा हूँ। ये कैसा वुल्फ है, ये तो बहुत ही खतरनाक है। रोड पे नहीं, पानी पे नहीं, मैं तो सीधा हवा में भाग पा रहा हूँ और अब पानी पर भी। ये सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं बहुत ही ज्यादा तेज भी भाग पा रहा हूँ। तो गाइस अब हम बन चुके हैं बहुत ही ज्यादा दुनिया के सबसे खतरनाक वुल्फ। अब हमें कोई नहीं रोक सकता उस हाथी के बच्चे को हराने से। तो चलो बढ़ चलते हैं उस हाथी को हराते हैं ताकि मैं वापस से इंसान बन सकूं। और वैसे मैं सोच रहा हूं यार अब इतना खतरनाक वुल्फ बन चुका हूं तो अब इंसान बनने की क्या जरूरत, चलो बाद में सोचेंगे, सबसे पहले उस हाथी को हराते हैं। तो काइजर आखिरकार मुझे वो मिल गया, हाथियों का राजा। इसको हराने के बाद मैं इंसान बन पाऊंगा। तुमको लगता है तुम मुझे हरा दोगे? हरा तो मैं तुझे दूंगा पर मैं इंसान बनना नहीं चाहता क्योंकि ये वुल्फ ज्यादा खतरनाक है। पर मैं हमेशा वुल्फ भी तो नहीं बना रह सकता, इसलिए मुझे इसको हराना ही पड़ेगा। तो हारने के लिए और मरने के लिए तैयार हो जाओ। अबे कुत्ते, तू मुझे नहीं हरा सकता। अबे कुत्ता किसको बोल रहा है, वुल्फ में वुल्फ। आहा, हिंदी में कुत्ता ही बोलते हैं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आखिरी मौका दे रहा हूँ, निकल जा यहाँ से। अबे गेंडे हाथी तेरी तो, निकल यहाँ से, मैं यहाँ से नहीं जाने वाला तुझे मारने बिना। लगता है तुझे बताना ही पड़ेगा मुझे हाथियों का राजा क्यों बोलते हैं। अबे अबे तू इतना मोटा है इसलिए बोलते होंगे। नहीं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए। मुझे तो नहीं लगता, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। तो कैसर इस हाथी के बच्चे को बताना पड़ेगा कि हम कितने ज्यादा पावरफुल है। पता नहीं कितनी बार मैं अपग्रेड हुआ ताकि मैं तुझे हरा पाऊँ और तुझे लगता है तू मुझे मार पाएगा। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। इस हाथी के बच्चे को हमें कैसे भी करके खत्म करना ही पड़ेगा ताकि हम वापस इंसान बन सके। बहुत देर हो गई ये फुल बन के, मुझे अब इंसान बनना है। तो इसके लिए इस हाथी को हमें कैसे भी करके खत्म करना ही पड़ेगा। मैं तुझे इंसान नहीं चूहा बनाऊंगा। चूहा बनाएगा, तेरी तो ऐसी की तैसी, मुझे चूहा बनाएगा, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। ये तू गाड़ी खा। ए, गाड़ी मत मार, हाथ चला। हाथ चलाओ तो ये ले, तेरे ऊपर आज हाथ ही चला देता हूँ। निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी। इसको हम पकड़ेंगे, उछालेंगे और फिर नीचे पटकेंगे। ये ले, मैंने तो बोला था मेरे से पंगा नहीं ले। हाथी ने हमसे लिया पंगा, हाथी हो गया नंगा। तो इसी के साथ हमने इस हाथी को कर दिया है खत्म और अब मैं इंसान बन सकता हूँ। और काइजर आप देख सकते हो आखिरकार हम इंसान बन चुके हैं। कितने टाइम बाद इस कालेपन को मैंने मिस किया पर हम इंसान बन चुके हैं। और ये क्या मैं ततीज, अरे ये क्या मैं तो खोद ही मार रहा हूँ। अरे काइजर ये क्या, मैं इंसान बन चुका हूँ पर मेरे पास अभी भी उस खतरनाक से वुल्फ की शक्तियां हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है, मुझे यही तो चाहिए था। तो काइजर अब मैं बन चुका हूं। तो काइजर पहले मैं था एक खतरनाक वुल्फ पर अब मैं बन चुका एक खतरनाक फ्रैंकलिन इंसान। एक इंसान में इतनी शक्तियां किसी ने नहीं देखी होगी। अब हम किसी को नहीं छोड़ने वाले, पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर सकते हैं और पूरे लॉस सैंटोस को बचा भी सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ बचाऊंगा। तो गाइस आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसकी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना और हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।